हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिवाली के पहला दिन हम लोग 14 प्रदीप बोलते हैं, वो मनाया जाता है 14 प्रदीप। तो मतलब 14 दिया जलाया जाता है और 14 तरह का लीफी वेजिटेबल खाया जाता है, जिसको हम लोग साग बोलते हैं। तो ये देखिए, पहले तो देखिए चारों तरफ हैदराबाद पूरा जगमगा रहा है। पहले तो आप देख लीजिए, और मैंने भी थोड़ा डेकोरेशन किया है इधर। तो आज हम लोग बंगाली में 14 प्रदीप बोलते हैं। तो आज मैंने अभी तैयारी कर रही हूँ 14 प्रदीप, 14 दिया जलाने का, और 14 तरह का साग बनाया था। तो मैं दिखाती हूँ, वो तो दोपहर में ही हम लोग खा लिए। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। तो ये है जो 14 तरह के लीफी वेजिटेबल मिला के हम लोग बनाते हैं, वो बनाए थे और मैं हम लोग सब खा भी लिए, थोड़ा सा बचा हुआ है। और मैं इधर दीप जलाने का तैयारी कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि 14 प्रदीप है आज, तो 14 दीप जलाना पड़ता है। तो मैं फटाफट तैयारी कर लेती हूँ दीप जलाने का, और फिर मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा दीप सजाया है। तो चलिए मैं तैयारी करती हूँ। बोला जाता है कि सिंगल बाती नहीं जलाना चाहिए, तो कभी भी, अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, कभी भी डबल दो बाती लेके ही दीप जलाइए, ऐसा बोला जाता है। मैं फटाफट तैयारी कर लेती हूँ 14 प्रदीप का, और फिर जला दूँगी, क्योंकि मेरा पूजा हो गया है, घर का पूजा मैंने कर लिया है। अभी ये दीप जलाने के बाद जो भी नमकीन स्वीट जो भी बनाना है, मिठाई और जो मेरा स्पेशल है नमक पारे, वो भी बनाऊँगी, जिसको हम लोग निमकी बोलते हैं, वो निमकी बनाऊँगी। वो तो स्पेशलिस्ट हूँ मैं उसमें, क्योंकि मैं दिवाली में कंपल्सरी बनाती हूँ निमकी। तो निमकी बनाऊंगी, और पता नहीं ठेकुआ बनाऊंगी, वो बिहार का एक स्पेशल मिठाई है, वो भी बनाऊंगी सोचा है। और आज सुबह से मुझे बहुत सिर में दर्द हो रहा था, सुबह को कुछ भी काम नहीं किया मैंने, अभी करूंगी। लेकिन मैं जो सोच लेती हूँ, जो मैं ठान लेती हूँ, वो मैं करके रहती हूँ। तो आज कितना भी रात होने दो, नमकीन स्वीट पूरा बना के ही सांस लूँगी। तो मैं फटाफट पहला दीप जला देती हूँ, घर का पूजा तो हो गया है, उसके बाद किचन जाऊंगी, उसके बाद किचन में हाथ लगाऊंगी। और साग तो सुबह ही बना ली थी मैं, जो 14 साग 14 तरह का लीफी वेजिटेबल, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। इतना तरह का लीफी वेजिटेबल बॉडी के अंदर जाता है, जो कि हर तरह का कमी को पूरा करता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि 14 तरह का साग खाना चाहिए। तो वो तो हो गया मेरा, मैं कल ही लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं कल ही जाके साग लेके आ गई थी। सब एक 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 करके मैंने 14 तरह का साग मिक्स कर लिया था और आज बनाई हूँ। मैं यहाँ पर सजा लेती हूँ दिया। और मैं डालूँगी तेल। इतना हवा है बाहर, पता नहीं दीप ठीक से जलेगा भी कि नहीं। और तो कितना अच्छा सबके घरों में। और
मेरे बगल वाले घर में भी बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है। तो फाइनली मैंने दीप जला लिया, ये तो भगवान का दीप है। और मैं अभी इधर दिखाती हूँ कि मैंने छुपा छुपा के दीप जलाया है, क्योंकि पूरा हवा इतना, मतलब हैदराबाद में तो इतना हवा चलता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो सब बुझ जा रहा था, तो मैं सारे कोने कॉर्नर को हनर में छुपा के जलाई हूँ, तो बहुत मस्त जल रहा है। आइडिया मेरा अच्छा काम आया, मैं पूरा छुपा छुपा के जलाई हूँ तो अच्छा लग रहा है, अभी जल रहा है अच्छा। और इधर मैंने स्टेप में पूरा ऐसा जलाया है दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। तो अभी रेडी हूँ किचन का काम करने के लिए। मैं तो किचन चली आई काम करने के लिए, और इधर विट्ठल और उसके डैडी दोनों मिलके, जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन बाकी था फूलों का सजावट, तो दोनों बाप बेटा मिलके तैयारी कर रहा है, एक दूसरे को हेल्प कर रहा है और सजा रहा है, और मैं तो किचन में बिज़ी हूँ। इधर रात के डिनर के लिए मैं बनाने वाली हूँ पनीर बटर मसाला, जो कि सोम का फेवरेट डिश है। तो उसके लिए मैंने टोमेटो प्यूरी और ऑनियन का पेस्ट सब कुछ रेडी कर लिया है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट सब कुछ रेडी है। फटाफट मैं एक्चुअली मेरे ये वाला कढ़ाई थोड़ा ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैं घी बनाई थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा कि उसमें ही बना लेती हूँ खाना। तो मैं यहाँ पे फटाफट पनीर बटर मसाला बना लेती हूँ, और उसके बाद जो कि स्वीट और नमकीन जैसा कि मैंने बोला दिवाली के लिए बनाऊँगी, उसके बाद डिनर करने के बाद ही बनाऊँगी। तो फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ। ऑलमोस्ट करी तक सब्जी बन गया है, और यहाँ पे मैंने आटा भी कर लिया है रोटी के लिए, आटा भी रेडी है, डब्बा में बंद करके रख दी थी।
तो आटा रेडी है रोटी के लिए। खाना बनाने के साथ साथ यहाँ पे मैं नमक पारे बनाने का प्रोसेस शुरू कर देती हूँ। तो डो तैयार कर लेना पड़ेगा क्योंकि उसको थोड़ा सा भीगने में टाइम लगता है। तो मैं रोटी बनाने के पहले नमक पारे का आटा करके रख देती हूँ, तो थोड़ा इजी होगा मुझे बनाने में। तो मैं फटाफट उसके लिए तैयारी कर ले रही हूँ नमक पारे। तो यहाँ पर निमकी का आटा तैयार है, आटा मतलब मैदा जो कि मैंने सान के रख लिया है। और मेरा डिनर भी ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं नमकीन बनाना शुरू करती हूँ। मैं आप लोगों को एक टिप्स देना चाहती हूँ कि कभी भी डीप फ्राई वाला आइटम जो होता है, जो हम घर में या तो स्वीट हो या नमकीन हो, उसको ना लोहे के कढ़ाई में बनाने से बहुत अच्छा बनता है और जल्दी तेल भी नहीं जलता है कंपेयर टू दूसरे कढ़ाई में। तो कभी भी आप एक बार ट्राई करके देखिए, कभी भी आप लोहे के कढ़ाई में अगर डीप फ्राई करने वाला आइटम बनाते हैं तो जल्दी तेल ख़त्म नहीं होता है, उसमें कम तेल यूज़ होता है। ये एक बहुत अच्छा टिप्स है, तो आप लोग भी फॉलो कीजिए। मैं तो कभी भी डीप फ्राई का आइटम, मेरा यही छोटा सा बच्चा वाला कढ़ाई है, उसमें ही डीप फ्राई वाला आइटम मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है और जल्दी तेल भी नहीं ख़त्म होता है। अभी ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे हाथ से निमकी या नमक पारे कितना अच्छा बनता है। तो देखिए कितना क्रिस्पी बना है और कितना खास्ता बना है, वो तोड़ने से ही पता चल रहा है। नमकीन का काम ख़त्म हो गया, अब मैं बनाने वाली हूँ यूपी बिहार का एक बहुत ही स्पेशल मिठाई है, स्वीट डिश है, जिसको बोलते हैं ठेकुआ। तो वो भी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मैं वो भी बना रही हूँ। तो देखिए कैसे बनाया जाता है। ये है ना, ये इसको ठेकुआ बनाने का सांचा बोलते हैं, इससे ठेकुआ बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है वो ठेकुआ में प्रिंट हो जाता है, तो एक डिज़ाइन बन जाता है ठेकुआ के ऊपर। तो इसको इस तरह से गोल करके इसके ऊपर ज़ोर से दबाने से डिज़ाइन बन जाएगा। तो मैंने ना थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है डिज़ाइन बनाने के लिए, क्योंकि एक ही तरफ बनेगा वो, फिर दूसरी तरफ अगर दबाते हैं तो वो पहला वाला जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, वो ठेकुआ का जो सांचा है उसके ऊपर गोल आटा जो तैयार किया था ठेकुआ का, वो रख के उसके ऊपर से ये जो पीलर पील करने का है या तो जो भी चिप्स बनाने का जो सांचा है, उससे मैंने उल्टे तरफ से उसको दबाया तो दोनों तरफ डिज़ाइन बन गया। है ना मेरे पास आइडिया। अब और यहाँ देखिए लज़ेदार मज़ेदार ठेकुआ तैयार है। जिसको जिसको खाना है आ जाओ, क्रिस्पी क्रिस्पी और खास्ता खास्ता ठेकुआ।
तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में। आप लोग हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। अगर आपको किसी को मेरा ये ठेकुआ का और नमक पारे का रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट व्लॉग में रेसिपी शेयर करूँगी। टाटा बाय बाय।